हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज बात करने वाले हैं जो कि बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन या फिर जिसे बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो चलिए यहां पास देखते हैं, जो कि कीटोन होता है उस कीटोन को पर एसिड से ऑक्सीडाइज जब कराया जाता है तब वह कीटोन ऑक्सीडाइज होकर जो कि एस्टर का फॉर्मेशन करता है। यहां पास क्या बोल रहे हैं, इसकी की पॉइंट की बात कर ले तो इसकी की पॉइंट इस तरह से है कि जब कीटोन है उस कीटोन का रिएक्शन पर एसिड के साथ कराया जाए तब वह जो कि एस्टर का फॉर्मेशन करता है। और यह जो कीटोन है वह एस्टर जो बन रहे हैं वह वहां पास जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें जो पर एसिड यूज कर रहे हैं इस तरह से पर एसिड, वह पर एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग पहले भी इनकी काम क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कि पढ़ चुके हैं, इनका काम यह है कि यह जो कि ऑक्सीजन देता है। अब इसके पहले भी तो हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन देने वाले कंपाउंड इस तरह से पढ़े थे कि अगर जो कीटोन है या एल्डिहाइड है वह अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो ऑक्सीजन देने वाले एजेंट हो जैसे कि KMNO4 या फिर K2Cr2O7, इस तरह से जो कंपाउंड था उनके साथ जब रिएक्शन किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब यहां से जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। लेकिन यही कीटोन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर इसके अलावा अगर पर एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तब यह कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है बल्कि यह एस्टर का फॉर्मेशन करता है। चलिए यहां पर बात कर ले इस तरह से पर एसिड की। तो जो पर एसिड होता है इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे पर एसिड पर, फर्स्ट नंबर अगर पर एसिड है वह इस तरह से जो एसिटिक एसिड होता है या फिर बोल दे जो CH3COO, फिर यहां से O O और H जिसे पर एसिटिक एसिड कहा जाता है, इस तरह से पर एसिटिक एसिड है। या फिर अगर बात कर ले CF3C11O, यहां से C, यहां से O, O और H, अगर इनकी नाम की बात कर ले तो इनका नाम इस तरह से है पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। और इसके अलावा और भी है जैसे कि MCPBA, इसका मतलब इस तरह से है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आखिर इसकी अगर फार्मूला की बात कर ले तो इस तरह से मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड यहां पास है, यहां पास ऑक्सीजन, यहां पास क्लोरो, आर्थो मेटा पोजिशन पर क्लोरो, और यहां से जो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ और OH, इस तरह से मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और अगर भी बातें कर ले तो इस तरह से H2SO5 भी यहां पास पर एसिड होता है। चलिए इनकी अगर रिएक्शन की बातें कर ले तो इनकी रिएक्शन इस तरह से है। देखिए इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले अगर जान ले इतना जो पर एसिड लिए हैं इस पर एसिड में जो पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है यहां पास, इनकी जो रिएक्टिविटी होता है वह इस कीटोन से एस्टर बनाने में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर जो ट्राइफ्लोरो है वह जो कि गुड लिविंग ग्रुप होता है और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यह जो कि इनकी रिएक्टिविटी अधिक होता है, इसलिए इस कीटोन के साथ जो पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड को यहां पर देख लेते हैं। देखिए इनकी अब रिएक्शन की बात करें,
यहां पास क्या बोल रहे हैं कीटोन, और इस तरह से कीटोन की बात कर ले तो सी एच थ्री सी डबल ओ और यहां पास सिर्फ फिर से सी एच थ्री, यह क्या है यहां पास डाइमेथिल कीटोन है। और इस डाइमेथिल कीटोन का अगर रिएक्शन पर एसिड और पर एसिड में इस तरह से सी सी एफ थ्री सी डबल वन ओ फिर ओ ओ एच, इस तरह से यहां पास पर ऑक्सी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इनके साथ जब रिएक्शन किया तब इन दोनों कार्बन के बीच में या फिर इन दोनों कार्बन चाहे इन दोनों कार्बन और या तो जो कि सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है तो कहीं बीच में एक ऑक्सीजन आके एड हो जाएगा, का काम क्या था ऑक्सीजन देने का, यहां से ऑक्सीजन दे दिया तब यह कंपाउंड जो कि सी एच थ्री सी डबल वन ओ और यहां पास एक और ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है फिर सी एच थ्री का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसके जुड़ने से यह कंपाउंड फिर से क्या बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन बाहर निकला तो यहां पास O और H इस तरह से ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यहां पास बन जाता है। और यह कंपाउंड जो कि एस्टर है, और अगर इस एस्टर की नोमेनक्लेचर की बात करें तो इस एस्टर का नाम 1-2 एक पोजीशन पर है, इसे जो कि मिथाइल एथेनोएट कहा जाता है, मिथाइल एथेनोएट कहा जाता है। चलिए यहां पास इनकी मैकेनिज्म की बातें करें तो इनकी मैकेनिज्म इस तरह से है कि सबसे पहले यहां पास हम लोग जो कि एक एसिड लिए हैं यहां पास पर एसिड, इस पर एसिड की बात कर ले तो यहां पास पर एसिड क्या लिखे हैं यहां पास सी एफ थ्री सी डबल वन ओ और यहां पास ओ ओ एच, यहां पास इस तरह से है, इस एच को इस तरह से लिख दे एक। अब यह जो कि क्या है पर एसिड है, अब पर एसिड का काम क्या होता है या फिर एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट कर देते हैं, तब यहां से जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन जो कि डोनेट कर देगा, जिसके वजह से यहां से प्लस आयन हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट हुआ तब ऑक्सीजन पर क्या लग गया माइनस चार्ज, तब यह सी एफ थ्री सी डबल वन ओ डबल वन ओ फिर यहां से ओ ओ और इस ऑक्सीजन पर क्या है माइनस चार्ज आ गया। अब क्या करेगा यहां पर जो रिएक्टेंट यूज किए थे जो कीटोन, इस कीटोन की बात कर ले तो इस कीटोन को लिख दें यहां पर क्या है कीटोन यहां पर सी एच थ्री सी डबल वन ओ फिर से यहां पर सी एच थ्री है। अब यह कीटोन जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन जो कि यहां से निकला था उस हाइड्रोजन प्लस आयन के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा हमें पता है ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तब यह जो ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है वह इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तब यह कंपाउंड क्या बनाएगा सी एच थ्री सी यहां से सिंगल बॉन्ड ओ और यहां पास एच आ गए हैं फिर यहां से सी एच थ्री और इस कार्बन पर क्या हो गया यहां पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए अब इस कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो कार्बन की रिएक्टिविटी और भी बढ़ गई, तब क्या करेगा यहां पास जो माइनस चार्ज वाला जो पर एसिड से पर एसिड आयन्स बना था उस आयन्स का रिएक्शन इस कार्बोकेट आयन वाले कंपाउंड के साथ यहां पास हो जाता है, तब यह क्या है इनके साथ रिएक्शन कर लिया। अब रिएक्शन किया तब बनेगा क्या यहां से इस तरह से बन जाएगा यहां से कि सी एच थ्री सी ओ एच, इस सी एच को अगर नीचे लिख दो यहां पर सी एच थ्री तब यहां से क्या बना जो कंपाउंड है यह यहां पर जुड़ गए, इसको जोड़ देंगे यहां से क्या है यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां से जो कि सी एफ थ्री यह कंपाउंड आ गया। अब क्या होगा देखिए इस ऑक्सीजन पर क्या है अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पर भी क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर एक बात है कि ऑक्सीजन जब दो हो आपस में पास पास जब दो ऑक्सीजन हो तब इस दोनों ऑक्सीजन को अपने में जो लोन पेयर है वह बर्दाश्त नहीं होते, क्या बोले यहां पर दो ऑक्सीजन पास में हो
तब उस पर जो लोन पेयर रहते हैं तब उस कंडीशन में उस ऑक्सीजन को अपने में लोन पेयर बर्दाश्त नहीं होता है, तब क्या करेगा यहां पर जो कि माइग्रेट होगा। माइग्रेट किस तरह से होगा, यहां पर अगर माइग्रेट की बात कर ले तो माइग्रेट क्या होने वाला है यहां पर, देखिए माइग्रेट की बात कर ले यहां पर इस तरह से माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन को अगर समझे तो एक बार यहां पर आगे और बताऊंगा भी माइग्रेट को। तो देखो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन में जो कि जो फिनालिक ग्रुप होता है उसकी बहुत ज्यादा होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, फिर उसके बाद जो कि यहां पास एल्काइल ग्रुप का होता है। लेकिन हम लोग यहां पास दो की बातें करने वाले हैं, यहां पास पीएच और यहां पास आर। पीएच का मतलब क्या है, एरिल ग्रुप, और आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप। यह क्या है, एल्काइल ग्रुप। तब इन दोनों के दोनों क्या है यहां पास, एल्काइल ग्रुप, और दोनों सेम है, तब किसी एक का माइग्रेट कर देंगे। तो माइग्रेट कैसे करेंगे, यह जो कि माइग्रेट होकर यहां से निकलेगा और यह दोनों ऑक्सीजन के कोई एक इस ऑक्सीजन में चलो चले गए, जब इसके पास जाएगा तब यह जो बॉन्ड है वह इस ऑक्सीजन को दे देगा, उस कंडीशन पे इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यह जो बॉन्ड है वह ब्रेक हो जाएगा। फिर यहां से तो CH3 जो माइग्रेट हुआ है तब इस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तब कंपाउंड इस तरह से दो दो कंपाउंड यहां पास बन जाएगा। क्या बनेगा यहां से कंपाउंड, एक तो बनेगा यहां पास CH3CO और H, यहां पास कौन सा चार्ज आ गया बोले, पॉजिटिव चार्ज। फिर यह ऑक्सीजन जो है और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया यहां पास CH3 माइग्रेट होकर, और उसके साथ ही साथ यहां पास एक और कंपाउंड बच गया, यहां से प्लस करके लिख दे यहां पास क्या बचा है, जो कि CF3C(OO) और ऑक्सीजन पर कौन से चार्ज है बोले हम लोग यहां पास माइनस चार्ज। चलिए यहां पास तो हो गए, अब यहां पास कार्बन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया है तब इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी और बढ़ गई, तब क्या होगा यहां से जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन है वह हाइड्रोजन प्लस आयन इस जो एसिड का आयंस बना था उसे दे देगा, उस कंडीशन में यहां से क्या बना लेगा, एसिड का आयंस जो बना है उसको देगा, तो CF3C(OO) और यहां पास OH, इस तरह से यहां पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बना लेगा। अब यह कंपाउंड क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन जब दिया है उस कंडीशन में यहां से जो बॉन्ड है इसके पास आ गया, तब जो हाइड्रो यहां पास पॉजिटिव चार्ज है वह निकल जाएगा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, कंपाउंड इस तरह से बना CH3C(OO), फिर उसके बाद O और यहां पास CH3, इस तरह से यहां पास एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। तो यह इनकी जो कि मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलिए यहां पास इसकी क्वेश्चंस की बातें करते हैं। चलिए इस तरह से जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले अभी तक, अगर यहां पास अगर एल्काइल यहां पास कीटोन है और इस कीटोन का रिएक्शन कोई पर एसिड के साथ करा दिया जाए तब क्या करेगा, इस कार्बन और इस आर के बीच में जो कि क्या है ऑक्सीजन बस आएगा, इस तरह से इनकी मैकेनिज्म भी तो यही पड़ेगी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर पर एसिड हो तो हमको ऑक्सीजन एड करना है, और ऑक्सीजन कहां पास एड होगा इसकी जब बातें किए तो क्या है ऑक्सीजन कहां पास एड होने वाला है, जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन जो है वह एरिल के साथ जुड़ा है फिनिल ग्रुप या फिर एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है। फिनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो उसकी जो माइग्रेशन है वह बहुत ही ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्काइल, और बाय द वे एल्काइल का ही जुड़ा हो तो एल्काइल में भी होगा 3 डिग्री का पहले सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर उसके बाद जो कि 1 डिग्री का होगा। तो चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए कंपाउंड क्या है, RCO3H है पर एसिड। अब क्या जब पर एसिड है तो पर एसिड क्या है, इस कार्बोनिल ग्रुप के चाहे तो इस जगह में हो या फिर इस जगह में, जो कि ऑक्सीजन को ऐड करना है।
अब देखिए कहां पास एड होगा, तो क्या इस पर जो कार्बन है इस कार्बन में कोई फिनिल ग्रुप है क्या? नहीं है। क्या एल्काइल ग्रुप है क्या? हाँ जी है एल्काइल ग्रुप। अब जो एल्काइल ग्रुप है उसमें देखें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देखें, देखिए एल्काइल ग्रुप, यह एल्काइल एक कार्बन से जुड़ा है तो यह क्या है 1 डिग्री, और अगर यह एल्काइल जो कि 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह है 3 डिग्री, तब किस पर होगा एडिशन ऑक्सीजन का, इन दोनों कार्बन के बीच पर, तब इसके आंसर क्या रह जाएगा CH3 फिर यहां पास जो कि ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां से फिर से CH3, इस तरह से यह इनकी प्रोडक्ट है। अच्छा यहां पास एक और क्वेश्चन दिया गया है C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये भी पर एसिड ही है, देखिए पर बेंजोइक एसिड, अब पर बेंजोइक एसिड है फिर से ऑक्सीजन का एड होगा, किस पर होगा, या फिनिल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है या पीएच ग्रुप है या क्या है आर ग्रुप है, किस पर ज्यादा बनने वाला है, पीएच ग्रुप पर, जो माइग्रेशन है पीएच के तो पास होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो तो कहां पास होगा, इस जगह में C6H5 और यहां पास ऑक्सीजन, फिर कार्बन, इस कार्बन में क्या है डबल बॉन्ड, फिर यहां से CH3, इस तरह से इनकी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ले, C6H5CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कौन सा है देखें, ये भी पर एसिड है, पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो यहां पास भी पर एसिड है, तब फिर से ऑक्सीजन का होगा, अच्छा किस पर होगा, यहां पास कार्बन है यहां पास भी कार्बन है, या कार्बन कितने से जुड़ा है, यहां पास एक कार्बन से, एक इन कार्बन की बात कर ले तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो यह जो कि 3 से जुड़ा है या 1 से जुड़ा है, तो किस पर होगा माइग्रेशन, यहां पास हो जाएगा, तब क्या है इसका आंसर C6H5CH, यहां से नीचे से CH3, फिर यहां पास ऑक्सीजन आ गया C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या है CH3, ये लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन है अगर ये भी क्या है पर एसिटिक एसिड है और यह भी क्या है कार्बोनिल कीटोन ग्रुप है, देखो यहां पास आर कीटोन ग्रुप, तब इस जगह में होगा माइग्रेशन, या तो एडिशन ऑक्सीजन का इस जगह में होगा या फिर इस जगह में होगा, तो यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर देखें तो अगर बात कर ले क्या है यहां पास 1 2 दोनों को एक में होगा, अच्छा यह कार्बन कितने से जुड़ा है 1 2 एक कितने जुड़ा है 1, कहां पास होगा माइग्रेशन, यहां पास होगा, चलिए इसका आंसर आप लोग लिख ले देंगे। तो इस तरह से जो कि बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।